पढ़ते हैं सीटेट के अंतर्गत बाल विकास की अवस्थाएं। पहला होता है प्रसव पूर्व प्रीनेंटल स्टेज, इसको आप 9 महीने या 280 दिन मान सकते हैं। ठीक, 9 महीने या 280 दिन। तो इसमें क्या होता है, यह अवस्था माता के गर्भाधान से शुरू होती है, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो इसको कहा जाता है प्रीनेंटल स्टेज, प्रसव पूर्व की अवस्था। हर बार सीटेट में ये प्रश्न आते हैं, तो इसको बहुत अच्छे से याद कर लीजिए कि प्रीनेंटल स्टेज जो होती है वो माँ के गर्भ से शुरू होती है। दूसरी अवस्था है शैशवा अवस्था, जिसको कहते हैं इन्फेंसी स्टेज। इन्फेंसी स्टेज यानी जब बच्चा जन्म से लेकर 5 वर्ष के बीच में रहता है, यानी जन्म हो जाता है उसके बाद 5 वर्ष तक उसकी जो अवस्था होती है उसको इन्फेंसी स्टेज कहा जाता है। इस अवस्था में जो है शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से किस पर रहता है, माता पिता पर निर्भर रहता है, तथा उसका व्यवहार जो होता है वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। इस अवस्था में जिज्ञासा ज़्यादा होती है बच्चे में, क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है कि क्या करने लगे। ठीक, उसके अंदर क्या होती है, क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासा होती है। तो इसको जो है ध्यान रखिएगा कि जो इन्फेंसी स्टेज होती है वो 0 से 5 वर्ष की होती है, पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है, तथा इसमें जिज्ञासा बहुत ही ज़्यादा होती है बच्चे में। इसमें बच्चे में इस अवस्था में आत्म प्रेम की भावना भी होती है, फीलिंग ऑफ सेल्फ लव, अपने आप में जो होती है आत्म प्रेम, अपने आप में प्रेम करने की क्या होती है भावना, अपने से बहुत प्रेम करता है। इसे खिलौने की आयु कहा जाता है, इसको टॉय एज भी, टॉय एज की अवस्था भी कहा जाता है। इसमें लड़का जो है खूब खेलता है, खिलौने खेलता है। ठीक, इसमें बच्चा अनुकरण के द्वारा भी सीखता है, अनुकरण का मतलब इमिटेशन के द्वारा। इसमें शैशवा अवस्था में 0 से 5 वर्ष की अवस्था में इमिटेशन से द्वारा सीखता है, माने बच्चा दूसरे को अनुकरण करके सीखता है कि जैसा बड़े लोग कर रहे हैं वैसा अपना भी करने का प्रयास करता है। तो ये होती है उसकी पूर्व बाल्यावस्था या कह लीजिए, या इसको जो है शैशवा अवस्था कह लीजिए, 0 से 5 वर्ष के बीच की अवस्था है ये। इसे अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहा जाता है, इसमें बच्चा तर्कपूर्ण चिंतन नहीं करेगा, अतर्कपूर्ण चिंतन करता है इसमें। अगली अवस्था जो होती है वो बाल्यावस्था होती है, शैशवावस्था के बाद में, जो जिसको हम लोग चाइल्डहुड स्टेज के नाम से जानते हैं, जो 6 से 12 वर्ष तक रहती है। ठीक, इसे तार्किक चिंतन यानी लॉजिकल थिंकिंग की अवस्था कहा जाता है, इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है। इसमें बच्चा जो है तर्कपूर्ण चिंतन करता है, बाल्यावस्था में 6 से 12 साल का जब हो जाता है, जब स्कूल जाने लगता है, इसे आरंभिक स्कूल की एज भी कहा जाता है कि उसकी जो है प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो जाती है। इसे गंदी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक, गंदी अवस्था का मतलब जैसे पानी भरा कहीं मिल जाएगा बरसात का या कहीं भी, तो वो उसमें कूद पड़ेगा, उसमें खेलेगा, मिट्टी में लोटेगा, सहपाठियों के साथ खूब खेलेगा, तो इसमें ये है इसकी गंदी अवस्था होती है, बात बात पे ज़मीन पे लोट जाता है। इसको स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है, क्योंकि दाढ़ी मूछें नहीं होती हैं। खेलों की अवस्था भी कहा जाता है, इसको गेम्स स्टेज भी कहा जाता है। ठीक, इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है, संग्रहण माने चीज़ों को अपने अंदर संग्रहित करने लगेगा कि ये बॉटल है, ये स्लीपर्स हैं, ये ठीक बास्केट है, टोकरी है, ये सारी चीज़ें। इसे टोली अथवा समूह अथवा गैंग की अवस्था भी कहा जाता है, टोली अथवा समूह अथवा गैंग की अवस्था। इसमें जो है अपना पीयर ग्रुप्स बच्चे बनाएगा, अपनी टोली बनाएगा, अपना समूह बनाएगा। ठीक, तो ये गैंग की अवस्था कहलाती है। इसे जीवन का अनोखा काल भी कहा जाता है। अब देखते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था क्या होती है, जब लड़का 13 साल से 18 वर्ष के बीच में होता है, ठीक, तब इसको एडोलसेंस कहा जाता है। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। किलपैट्रिक जी ने बताया है कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। इसे संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान और उलझन की अवस्था कहा जाता है। इसमें बच्चा जो है उलझन में रहता है। इसमें विषभलिंगी आकर्षक होता है, जैसे मेल का फीमेल के प्रति अट्रैक्शन, फीमेल का मेल के प्रति अट्रैक्शन इसी अवस्था में होता है, किशोरावस्था में। ठीक, तो इसको याद रखिए। इसी अवस्था को स्वर्ण काल या गोल्डन एज भी कहा जाता है। ठीक, यह सबसे स्वर्ण काल होता है। इस अवस्था में वीर पूजा की भावना होता है, लड़का किसी को अपना जो है गॉड को अपना मान लेता है, या तो किसी महापुरुष को अपना मान लेता है, उसी की जो है
विशेषताओं को फॉलो करने लगता है। इसे भगत सिंह को अपना समझ लेगा तो जो है धर्म मतलब राष्ट्र के हित में कार्य करने लगेगा। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन करते हैं, अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग करते हैं, बच्चे अमूर्त चिंतन करने लगते हैं किशोरावस्था में। आइए देखते हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। मानव विकास की वह अवस्था जिसे सुनहरी अवस्था यानी गोल्डन एज कहा जाता है, तो ये किशोरावस्था होती है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यकाल यानी चाइल्डहुड का अन्य नाम नहीं है, तो चाइल्डहुड का अन्य नाम क्या होता है, प्रारंभिक विद्यालय या स्पूर्त अवस्था, गिरोह से पहले की अवस्था या गैंग एज। चाइल्डहुड यानी बाल्यकाल, जब 6 से 12 वर्ष का होता है तो उसको हम लोग आरंभिक विद्यालय आयु नहीं कहते हैं, आरंभिक विद्यालय आयु कहते हैं। आरंभिक विद्यालय तो कहते हैं, 6 से 12 वर्ष का स्पूर्त अवस्था भी कहते हैं, ठीक। प्री गैंग एज नहीं कहते इसको, गृह से पहले की आयु इसको नहीं कहा जाता है, ठीक। आइए करते हैं अगला प्रश्न, खिलौने की आयु टॉय एज किसको कहा जाता है, बाल्यावस्था को, उत्तर बाल्यावस्था को या शैशवावस्था को, इनमें से सभी, तो शैशवावस्था को, इन्फेंसी स्टेज को कहा जाता है टॉय एज। चाइल्डहुड होता है, बाल्यकाल होता है, कब से कब तक, लेकर के जन्म से लेकर 3 वर्ष तक की आयु, तो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की आयु तक, यही इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव तनाव का काल कहा जाता है, तो इसको जो है किशोरावस्था को कहा जाता है, अत्यधिक दबाव तनाव की एज। शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं, कैसे होते हैं, तो यही होते हैं मूल प्रवृत्तियात्मक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।